खुश आमदी जनाब। सो जब बात होती है ब्राइडल मेकअप की, तो ब्राइडल मेकअप में काशी और हमने देखा कि आज हमारी सारी मॉडल्स हैं वो तैयार हैं। आप लोग डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, इसे कि हमने कल बताया था कि जब ब्यूटिशियन एलिमिनेट होती है तो उसके साथ मॉडल भी होती है। सो ब्यूटिशियन आज कैसी हैं? सब कायम है ना? तो प्लीज वेलकम द मेकअप गुरु काशी। अस्सलामुअलैकुम काशी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आज मेरा मेकअप भी काशी ने किया है, क्या आप लोगों को कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? अब ये करना है जनाब कि हमने इनको एक एक मॉडल देनी है, और कल भी हमने देखा था मॉडल का झगड़ा बहुत ज्यादा था, इसे आज पहले से ही हम बता दें मॉडल्स को। सबसे पहले मैं मॉडल्स को कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इनके साथ कोऑपरेशन करा करें, क्योंकि ऑलरेडी इतने ये प्रेशर में होती हैं। मतलब मेरा तो प्रेशर आई थिंक होगा, लेकिन फिजा का तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर ना, और ऑब्वियसली कंपटीशन में टाइम की वजह से तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने कम से कम इनको रिलैक्स ही रखना है और इनको डिस्टर्ब नहीं करना कि मतलब यहाँ से ख़राब हो रहा है वहाँ से ख़राब हो रहा है। इसमें यह होता है कि आप तो गाइड करो, वो मज़ीद वो कॉन्शियस इस वजह से होती थी, सही काम होते होते भी फर्क ये होता है कि वो काम खराब कर देती हैं। बिल्कुल ना, कॉन्फिडेंस दें उनको, फुल फ्लैश करने दें बस आप काम। आज ब्राइडल से जल्दी से इनको असाइन करेंगे हम मॉडल्स, ताकि फिर टास्क हमें देना शुरू करना है। आज टास्क भी डिफरेंट दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो टास्क परफॉर्म करें तो उसमें आपको आसानी भी हो। और अगर काशी यहां आए हैं, इनका बहुत इजी है वैसे। देखेंगी तो इनको पता चलेगा कि इजी है कि नहीं, लेकिन पहले मॉडल्स असाइन करते हैं। सो आप आइए और नंबर वन जो हमारा स्टैंड है उस पर। लेकिन कल आपकी तरफ से जो शिकायत आई थी वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कॉपरेशन का सिलसिला रहना चाहिए। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? गौहर। गौहर हमारी #2 पे जाएंगी। आपका नाम? मुंतहा। मुंतहा #3 पे जाएंगी। और #4 पे जाएंगी आयजा। बिल्कुल सही। सो ये हमारी मॉडल्स जो हैं यहाँ पर, और इसके बाद आयरा जो है वो सबसे कॉर्नर वाले उस पर, ठीक है? आप रुखसार जो है आपके हिस्से में आई #4। अच्छा जी आइए, आते जाइए ना, आते जाइए जल्दी जल्दी से। आप इधर आएंगी, ठीक है? अच्छा आपको ये मॉडल पसंद है #2 जी। अरे काशी, अब मैंने ना इन्होंने अपनी पसंद से इन्होंने मॉडल को कहा आप इधर आ जाइए। हाँ। क्या हम इनको ये मॉडल जाने दें या इनको मॉडल चेंज कर दें? जाने दें, जाने दें। बहुत खुश हो गई क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा कि एकदम से अपसेट हो जाए। ठीक है, अच्छा आप तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। अच्छा आज टास्क जो है वो दो पैटर्न्स पे होंगे। एक तो ये कि हमने काशी ने एक ज़ाहिर ब्राइड तैयार की हुई है, आप उनको देखेंगी, ध्यान से देखेंगी और उनकी तरह मेकअप करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी टास्क होगा। इससे पहले कि मैं और टास्क के बारे में बताऊं, जिस जो मैं बता रही हूं कि काशी ने एक दुल्हन तैयार की हुई है, और हमारी बहुत प्यारी सी आर्टिस्ट सैरिश जो कि हर रोज हमें एक खूबसूरत अंदाज में मिलती है। ध्यान देना है इन्होंने, किन चीजों पे गौर करना है। सैरिश आ गई, बिल्कुल सही। आइए सैरिश, वाह वाह वाह, हमेशा की तरह सैरिश का ड्रेस है वो बड़ा कमाल है। चले लेट्स हैव अ लुक एट सैरिश।
आप आज भी बहुत प्यारी लग रही हो आप, और आप इतने अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, तो 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा अपना आप किस दिन प्यारा लगा है? डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं सबसे ज्यादा कौन से दिन अच्छी लगी थी, क्योंकि हाँ हर रोज एक नया मेकअप होता है और हर रोज मैं इनके और ज्यादा फैन हो जाती हूँ। हम लोग भी बिल्कुल इसी तरह से हर रोज फैसिनेट हो रहे हैं कि अब तो और कुछ नहीं हो सकता होगा ना, लेकिन हर रोज पता चलता है कि कुछ और नया भी हो सकता है। सरिश के लेकिन इतने मेकअप किए हैं कि मतलब मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है, चेंज क्रिएटिव होना पड़ता है। बिल्कुल आज वाकई ऐसा होता है कि ये जब भी मेकअप करते हैं, ब्राइड बनाते हैं, कुछ ना कुछ ये चेंज जरूर करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हर चेंज में एक बहुत खूबसूरत अंदाज़। आज आपका हेयर स्टाइल बड़ा चेंज है, आज बड़ा मैंने सिंपल रखा है कहीं ना कहीं, कि कल मैंने देखा था बड़ा ये कंटेस्टेंट फंस गए थे, बिल्कुल स्टाइलिंग कल किसी की भी स्टाइलिंग सही नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज स्टाइलिंग पे आपने ध्यान देना है, आप लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं फौरन ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन काम शुरू करने से पहले साथ साथ एक और टास्क का सिलसिला है जो कि हमने आज रखा हुआ है। काम आप लोग शुरू करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मॉडल्स ने जब बाद में अपना दिखाना है मेकअप, तो उन्होंने भी सैरिश को जहन में रखना है कि सैरिश ने जिस तरह से पूरा मॉडल किया है, जितना आराम के साथ, कंफर्ट के साथ, स्माइल्स के साथ, ये भी आज इम्पॉर्टेंट होगा और इसको भी आज कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, आज टास्क जो है वो एक और भी है, और आज टास्क ये है कि काशी द गुरु ऑफ मेकअप जो है वो आपको साथ साथ बताएंगे, यानी आपसे प्रेप कर ले, काशी आपको बताएंगे कि बेस कैसे लगानी है, तो आप बेस लगाएंगी ताकि आपके पास ये गिला ना रहे कि हमें तो पता ही नहीं है काशी कैसे बेस लगाते हैं और क्या होता है, क्या चीज़ यूज़ की है। ठीक है, सो इससे पहले कि मैं काशी को इस टास्क की तरफ लेके जाऊँ, एक छोटा सा ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद आएंगे फिर वापस। खुशामदीद, सो आप सब लोगों के लिए टास्क है कि आप अपनी बेस कंप्लीट करें, आई मेकअप जो है वो आज आपको लाइव काशी बताएंगे यहाँ पे, और जो वो बताएंगे फिर उस तरह से आप लोग आई मेकअप करेंगे। जो आज आई मेकअप हुआ हुआ है ये आई मेकअप अभी कुछ देर में आपको बताएंगे, लेकिन उस वक्त तक आप अपनी बेस जो है वो जल्दी से कंप्लीट कर लें। और बेस के लिए आपके पास गाइडलाइन सैरिश का फेस ही है कि जिस तरह से बेस लगी हुई है, जितनी स्मूथ है, जिस तरह से आपको उन्होंने कलर रखा हुआ है उसी को आपने फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं करना, वाइट नहीं करना बिल्कुल, और टैन भी नहीं करना कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल भी। ठीक, अच्छा नाउ इट्स टाइम फॉर आवर अदर जज, ग्लैमरस, द गॉर्जियस एंड वेरी क्रिटिकल, प्लीज वेलकम फिजा अली। क्या हाल है? अभी तक ये लोग ठीक ठाक थे और अभी तक ये जो सांस वास ठीक ले रहे हैं, अब हमने देखना है कि अब क्या सूरत हाल होती है। फिजा कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम, तुम लोग मेकअप कर रहे हो? शुरू हो गया? हाँ, अभी अभी शुरू हुआ है, इन्होंने बेस लगानी है, लेकिन इस दफा होगा ये। आज के शो में खास बात ये है कि काशी अभी कुछ देर में आई मेकअप बताएंगे इनको कि कैसे करना है, और फिर वो मेकअप जो है वो ये लोग करेंगे। ताकि आया हूँ यहाँ लाहौर, इनको कुछ गाइड भी करके जाऊँ बिल्कुल, अभी तो इतने प्रेशर में कम से कम उनको कुछ सीखने को भी मिले। वाह बिल्कुल सही। अच्छा काशी, साथ साथ कुछ गाइडलाइन इनको बेस के बारे में बताते चले ताकि उसको फॉलो करें। मैं देखूँ इनको सबको पहले, क्योंकि जिनकी स्किन पे कोई एक्नी वगैरह है, जैसे यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि थोड़ी एक्नी है और वो उसको जो है वो कंसील कर रही है, तो ये ठीक कर रही है? नहीं, बेस में जैसे ये लगा रही हैं तो डायरेक्ट ये बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेती हैं हमेशा, जो है अगर स्टिक भी लगा रही हैं, एप्लीकेशन करनी है, तो कोशिश करें कि अपने फिंगर से लेकर डायरेक्ट फेस पर लगाएं, मतलब फिंगर से फेस पर लगेगी, डायरेक्ट स्टिक कभी भी नहीं लगा, क्योंकि इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी में बेस लग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी हैवी बन जाती है बेस। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप लगाते रहो डायरेक्ट फेस पर। ठीक है, यानी फेस पर डायरेक्ट नहीं लगाएं, स्टिक कभी भी उंगली से लगाएं। अच्छा यहाँ पर ये जो कलर हो रहा है, जो ये आप क्या कर रही हैं, कंसील कर रही हैं? ऑरेंज कंसील कर रही हैं। आप कंसील कर रही हैं, इनकी एक्नी है, ठीक है, मगर इनकी टेक्निक सही है ऑरेंज कंसील करके, क्योंकि एक्नी और स्कार्स और जो पोर्स होते हैं उनको छुपाने के लिए ऑरेंज कंसील सबसे बेस्ट होती है। बिल्कुल सही, सही प्रॉपर पूरा कंसील कर रही हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर बेस जो है वो बनाना शुरू करेंगे, इससे बेस ग्रे भी नहीं होगी। आपने कभी किया ऑरेंज कंसील? ऑरेंज कंसील आंख के, हाँ आंख के नीचे भी कर लेना, जिससे कुछ लोगों को बहुत दिल करता है कि ये जगह हाईलाइट हो, आंख के नीचे थोड़ी सी वाइट वाइट पे है, जो गोरे लोग कर रहे होते हैं, तो वो फैशन अगर अपनाना है तो कंसील करनी है ऑरेंज, उसके बाद फिर बाकी फेयर बेस लगानी होता है। स्किन सही है तो उसमें कुछ लोग
फिर भी कर रहे होते हैं तो उसमें मतलब बेकार है आपको इस तरह से इतनी ऑरेंज स्टिक लगाना, बहुत डार्क नेग्रो वगैरह उससे कॉन्टोर करना। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल सही है, स्किन बिल्कुल सही है, स्मूथ है, तो फिर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टू मच मतलब आप कर रहे होते ऑरेंज कर रहे होते फिर ऊपर आप कर रहे होते हो तो एक लेयर चढ़ती जाती है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन पर टैन भी हो रहा होता है। ऑरेंज नहीं नहीं ऑरेंज हाँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। अगर ऑरेंज है फिर हम कॉम्प्लेक्शन सही है फिर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शेड चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो ऑरेंज ट्रेन ही चल गई आज। ऑरेंज डिपेंड करेगा कि किसको जरूरत है और कितनी जरूरत है। अंडर आईज हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें एक्ने के ऊपर पड़ सकती है, हमें अगर वैसे ही डबल गर्दन में लाइंस हैं उसमें पड़ सकती है, बहुत ज्यादा टू मच फ्रेकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसके लिए भी अच्छी। बिल्कुल सही। सो ऑरेंज कलर की, इसको ऑरेंज कलर ही कहेंगे या इसमें डिफरेंट शेड्स और भी? डिफरेंट शेड्स और भी होते हैं इसमें, इसमें डार्कर टोन पे होते हैं तो जैसे किसको बहुत ज्यादा सीवरेड मसला होता है, जिसे हेजल टाइप के कलर्स होते हैं, ठीक है, उससे ही बहुत अच्छी कंसीलिंग हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा अब फिजा, आज का मेरा टास्क जो है वो सैरिश का मेकअप है। अच्छा, अब मुझे गेस करके बताओ, आप इतने दिनों से फेमिलियर हो इन ब्यूटिशियन से, कि इन सारी ब्यूटिशियन में से कौन सी वो है जो कि आपकी फेवरेट है आज और जो आपको लग रहा है कि वो ये मेकअप कर पाएंगी? कल जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा डांट खाई थी, उन्होंने सबसे अच्छा मेकअप किया था सारी गर्ल्स में। मुझे उनका मेकअप पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कि अगर मुझे खुद भी करवाना पड़े तो मैं उनको कह सकती हूँ कि कर दो, मुझे बेहतर लगा सारों से, मतलब उनकी तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती। डांट पड़ने वाली है ज्यादा आज? डांट मुझे अभी तक तो वैसे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बड़ी हैरत की बात है। इसका मुंह ग्रे है बस, थोड़ा सा उसकी बेस ठीक नहीं है। हाँ, इसका मुंह मुझे टोन थोड़ी सी ग्रे लग रही है, हो सकता है आप पाउडर से उसको ठीक करें। अभी आपने पाउडर नहीं किया राइट? हाँ, तो हो सकता है आप पाउडर से ठीक कर लें। वैसे टोन ग्रे है इसकी, जो आम देखने में भी फील हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका ख्याल रखें कि टोन टोन ग्रे क्यों होती है काशी, और उसे लाइटर शेड लगा दिया है उन्होंने, तो उसकी वजह से हमेशा ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा लाइटर कलर पे लेवल पर जाते हैं, अगर लेवल आपने लाइटर ही करना है तो डार्कर से शुरू करते हैं हम। ठीक है, डार्क ये, फिर उसके ऊपर लाइटर, फिर उसके ऊपर लाइटर, तो वो एक स्टेज वाइज होता है। अगर मतलब डायरेक्टली हम बहुत ज्यादा आइवरी वगैरह या बहुत लाइटर 45 जिस तरह के मोस्टली ब्यूटीशियन यूज कर रही होती है वो कलर, अगर वो कलर लगते हैं फिर वो ब्लेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रे हो जाता है, उसमें कवरेज भी फिर सही नहीं होती। ठीक है, अब जो उन्होंने मिक्सिंग के लिए बेस लगाई ऊपर, वो अब बेस टोन ठीक लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सही, आप सही कर रही हैं आप। ठीक है, वो है अपनी स्किन टोन और अपनी स्किन टाइप के लिहाज से देखकर आपने बेस कलर भी सिलेक्ट करना है और उसको आपने अप्लाई करना है। बिल्कुल सही। अभी तक तो सो फार सो गुड, दैट डूइंग गुड। ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है, ब्रेक का टाइम भी चूंकि गुजर चुका होगा, या हमारी ब्यूटिशियंस बेस अप्लाई कर चुकी होंगी, और हम आज बताएंगे आई मेकअप, काशी आपको बताएंगे कि कैसे आंख बनानी है जैसी सैरिश का इन्होंने मेकअप किया हुआ है, ताकि आप लोग उसको सामने देखकर फॉलो कर सकें। ये एक टास्क होगा कि आप अपने आंखों देखकर, अपने सामने देखकर, लर्न कर भी उसे फौरी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आज ये एक चैलेंज जो है, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। अच्छा, ये टास्क तो काशी देंगे। हाँ, जो टास्क मेरा है ना वो सरप्राइज है। अच्छा, वो सरप्राइज है, वो सरप्राइज। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे हैं वापस। आइए हम काशी का मेकअप जो है शुरू करें। आज फिजा जो है वो मेरा ख्याल हमारे जज अभी नींद से उठा नहीं है सही तरह से। हमारा एक जज है आज थोड़ा ढीला है। फिजा वो देखो ना, लिपस्टिक भी लगा लिए, दो तीन लोगों ने लगा लिए। अच्छा, जो इन लोगों ने लिपस्टिक लगा लिया है, अगर मैं भी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर लूँ, मुझे भी आज एक लिपस्टिक का इस्तेमाल करना है बस। अच्छा, हाँ, मैंने इनको टास्क देना जो अभी तक नहीं दिया, तो ये तो भी काशी दे रहे हैं टास्क, उसके बाद फिर मैं टास्क दूंगी। तो काशी आपका टास्क शुरू हो रहा है जी। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग अगर नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी है। अब आप देख लीजिए कि अभी तक आप लोग अपने स्टेशन छोड़ के यहाँ पे नहीं आ रहे, बाद में आप कहेंगे हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं चला, हमें नजर नहीं आया, हमें अंदाजा नहीं हुआ। आ गया, बैठ जाओ नीचे, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बहुत इजी मेकअप है बिगिनर्स वगैरह के लिए भी। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, ताकि आप बैठ जाएं। कोई से भी ऐसा डल गोल्ड शेड लेके ये आपने लगाना है। ठीक है, कोई भी डल गोल्ड जो है।
ट किया, ये आपने आंख की बिल्कुल कॉर्नर से उठाई है लाइन, है ना? इसका मतलब है कि उसको नजरअंदाज नहीं करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैशेस लगाने से पहले ये प्रॉपरली नीट होना चाहिए, अदरवाइज ये होता है कि डायरेक्ट लगाने के बाद कहीं ना कहीं गैप रह जाता है लैशेस का जो बैंड होता है उसमें, कहीं ना कहीं अगर गैप होता है तो अंदर से जो शेड होता है। मस्कारा करेंगे पहले, ठीक है, फिर मस्कारा, डायरेक्ट लैशेस कभी भी नहीं लगा, पहले मस्कारा करें ताकि नीट हो जाए लैशेस। अब लैश लगाने के बाद मस्कारा लगाते हैं ना, अब पहले लगा लो ना तो वो जी, दिस इज द टेक्निक। अच्छा, अगर यहाँ पर किसी को लैश की जरूरत नहीं है, ब्राइडल मेकअप नहीं है, तो वो इसको इतना सा रख कर भी कैरी कर सकते हैं एक अच्छे पार्टी मेकअप के फॉर्म में। हाँ हाँ, इनर कॉर्नर के लिए आंख को इनर कॉर्नर सूट करता है, किस आंख को नहीं, ये इनर कॉर्नर क्या कह रही है, ये जो सिल्वर लगाया लाइनर से जो बनाते हैं नोक बनाते हैं, डिपेंड करता है ना। अब ये तो वैसे कि किस आंख को कौन सा मेकअप आप दे रहे हैं, एक ही मेकअप तो एक आंख को नहीं देंगे, काशी भी दो तीन किस्म के मेकअप करता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस आंख को कौन सा मेकअप देना चाह रहे हैं। नहीं, वो जनरली ये पूछना चाह रही है कि छोटी आंख पे ये होगा ज्यादा कि कॉर्नर बनाया जाएगा या इनर कॉर्नर के लिए ना, डिपेंड करता है कि आईज का शेप किस तरह का है। कुछ आईज जो है स्किन बड़ी ऊपर से आ रही होती है, तो उसमें जब हम इनर कॉर्नर्स बना रहे होते हैं तो वो हमेशा बुरा लग रहा होता है, तो ऐसी आंखों पे कभी भी नहीं होगा, ऐसी आंखों पे इनर कॉर्नर पे आपने शेड ही लगाना है। लेकिन कुछ आंख बड़ी खुली भी होती हैं, प्रोमिनेंट होती हैं, शेप बड़ा परफेक्ट होता है, तो उस पर इनर कॉर्नर आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये लैश भी कितनी अच्छी और परफेक्ट लगाई है कि लैश लगते ही एकदम से ऐसा लग रहा है आई मेकअप कम्प्लीट, और मेरा ख्याल आई मेकअप कम्प्लीट हो भी गया है, अब सिर्फ लाइनर जो है उसका एक फाइनल रह गया। और कितनी देर में मेकअप हुआ है? और अगर आपको ये टाइम दें हम टास्क के लिए, जो आपको यही टाइम मिलेगा टास्क के लिए, क्योंकि अब आप लोगों ने देख लिए यही टास्क है, और ये इसको आप गौर से देखें कि जिस तरह से वो अब हो जाना चाहिए, इतना करीब से तो देख लिया। हाँ, ऐसा कर लो, ठीक है, वाइट शेड में। अरे काशी, इनको आप वो वाला देंगे जो आंख के से बाहर निकालते हैं, विंग लाइनर? नहीं, बिल्कुल सिंपल से रखा ताकि इनको इजी रहे समझने में, इसको ठीक है। आईज को मजीद प्रोमिनेंट करने के लिए आज तो आपके टास्क में फिर विंग लाइनर है ही नहीं, इजी है आज तो, कुछ मसला ही नहीं है। लाइनर अभी नहीं, अभी कुछ ऐसे ही करना है। आपको ये दिया है ना डमी, इसको फॉलो करना है ना, अलग से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ बहन, जो ये ब्लेंडिंग की है, अगर आप यही ब्लेंडिंग कर लें और इसी टाइमिंग में कर लें, क्योंकि अगली एक ब्रेक मिलेगी सिर्फ आपको, जिसमें आपने ये आई मेकअप करके कंप्लीट करना है और डन करना है। नहीं, आपने ये जो मेकअप आपको दिखाया है ये वाला करना है। बहन ये डमी है, बार बार हम तीन लोग खड़े हुए यही बता रहे हैं कि जो डमी आपके सामने तैयार करके दिखा रहे हैं, जैसे आपने ऐसे करना है। अरे पिंक शेड भी हर एक आंख के नीचे दिया रह सकता है, हर वक्त दिया रह सकता है काशी, और ये मोस्टली चल जाता है ये, ठीक है। इससे होता क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या आता है? बहुत सॉफ्ट लुक के लिए बेस्ट है, अदरवाइज जो है आपको ड्रामेटिक करना है तो आप ब्राउन्स में जा सकते हो, नेचुरल रखना है तो लाइट ब्राउन पे कर सकते हो, मजीद उसको बहुत ग्लैमरस करना है तो उसके लिए ये है कि आप ग्रीन पे या ब्लू पे, लेकिन वो तब अच्छा लगता है जब आपका हाथ बड़ा सेटल होता है नीचे के शेड के लिए, अदरवाइज कभी भी ये अगर हम इस तरह के शेड्स यूज करते हैं पर्पल में या बॉटल ग्रीन टाइप के, तो यह तो बहुत खूबसूरत लगेगी, या तो फिर बहुत बुरी लगेगी। ठीक, तो एक बहुत सॉफ्ट, एक बड़ा ड्रीमी, एक बड़ा मतलब ग्लोई सा इफेक्ट के लिए ये इन्होंने पिंक कलर का, फ्रेश पिंक पिंक करके डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है। वैसे व्हाइट हाईलाइटर जो होता है या सिल्वर जो होता है ना, ये जो गोल्डनिश व्हाइट होता है वो आपको काला नहीं दिखाता कभी भी, थोड़ा सा फ्रेश दिखाता है, गोरा गोरा दिखाता है, और फेयर बेस पे अच्छा लगता है। गोल्डन फेयर बेस पे निकल के नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि हाईलाइटर लगा है कि नहीं, थोड़ा सा सिल्वरिश और थोड़ा सा स्किन गोल्ड, ये जो थोड़े से व्हाइट टोन या सिल्वर टोन पे जाते हैं ना, सिल्वर गोल्डनिश, ये थोड़ा सा आपको फेयर दिखाते हैं, ग्लो दिखाते हैं,
वाइट बेस के साथ, डार्क बेस के साथ यू कैन गो विद द गोल्डन। बिल्कुल सही। और मेरा ख्याल है कि अब हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऑलरेडी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। लूडो खिलाने के लिए आई मेकअप, हाँ आई मेकअप जो है वो आपने देख लिया है, जो आई मेकअप आपका टास्क था। आई होप हमारे कोई शिमर वगैरह नहीं लगा हुआ, देखा होगा कुछ नहीं देखा। अब इससे आगे हम चलेंगे, लिपस्टिक इनके सामने अगली ब्रेक में लगाएंगे इनको बुला के। फिलहाल ये आई मेकअप जो है वो अपना करना शुरू करें ताकि आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो सके और हम उसे देख सके। टाइम फॉर अ ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं और कैमरा हमारा आपको दिखाएगा कि सारी ब्यूटिशियंस हैं वो अपना टाइमली टास्क कंप्लीट करने में नाकाम है। अभी तक वो लोग आई मेकअप के ऊपर बिजी हैं जबकि आई मेकअप का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम आपको बता रहे हैं कि लिपस्टिक कैसे लगनी है और कैसे लगानी है, उसके लिए काशी यहाँ पर आपको इस वक्त बताने लगी है। आपने अगर सीखना है और जानना है तो आपको आके देख लेना है, लेकिन इसके बाद यू विल हैव ओनली 4 मिनट्स के जिसमें लिपस्टिक समेत आई मेकअप मेकअप कंप्लीट होगा। काशी वैसे को लाहौर तो आ ही रहे हैं आप लोग, नहीं देख रहा। मुझे लगता है आपकी जो मास्टर क्लास है ना उसमें इन सबको जरूर आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। कि तो एक टिप है, उस मास्टर क्लास में इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्योंकि उसमें मैक्सिमम मॉडल्स होंगी और उसमें स्टाइलिंग का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उसमें हेयर एक्सटेंशन का है, मतलब वो बहुत सारे सीक्रेट्स एक पूरा प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है जो मेरे हिसाब से जो 3 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं उस हिसाब से वो मास्टर क्लास है। अच्छा। तो वो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग जो है वो उस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, लाहौर में हो रही है, कास्ट प्रोडक्शन की तरफ से मिसासा उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन ये लाहौर में भी यहाँ पर भी लोग मुल्तान से और दूसरे सिटीज से, इवन के मेरे में जो दूसरे गाँव वगैरह तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है उन सब से कि जो सीक्रेट्स मेरे ख्याल में मेरे और भी कुछ चीज़ें जो जानना चाहते हैं वो सारी चीज़ें उस मास्टर क्लास में रिवील होंगी। बिल्कुल सही। चलें हम लिपस्टिक लगाना शुरू कर रहे हैं और इफ़ यू कैन सी तो हमारी #2 जो है उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, हम उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो अपने कामों में मसरूफ हैं। बेस करने के बाद लिप्स दब जाते हैं तो मजीद एनहांस करना पड़ेगा इस पर। अरे अब देख लें इनके लिप्स पतले हैं, तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके लिप्स पतले हों पतले हैं और उसको कैसे लिपस्टिक लगनी चाहिए, बैलेंस करने के लिए आप शेप बना दें सेंटर का ना, उनकी आउटर लाइन के ऊपर वाले एरिया पे वो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो उसके नीचे लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, मगर वो ऐसी भी नहीं कर रहे कि स्किन के ऊपर चले जाएं, आउटर लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये जरूर टेक्निक देखें, कुछ लोग क्या करते हैं लिप्स अगर बड़े बनाते हैं तो आउटर लाइन के ऊपर बिल्कुल स्किन पे चले जाते हैं, पेंटिंग शुरू कर देते हैं, वो फेक ही लगता है। इनका स्टाइल चेक करें, यहाँ से बिल्कुल अंदर से लेते हैं। आज हम आपको लिप्स के भी मार्क्स देंगे अलग से, इसलिए दोनों अलग अलग आपको आई मेकअप और लिपस्टिक अलग से दिखाई है ताकि आप लोग का ये टास्क है और आप जिनके लिप्स पतले हैं उनके ऊपर तो हूबहू अप्लाई होगा और अदरवाइज भी आपको फॉलो करना होगा कलर को, ब्लेंडिंग को और लिपस्टिक के। और बीबी आपको तो बताया भी था कि लिपस्टिक जो है वो बाद में होगी, सिखाया जाएगा, मगर आप अपनी मॉडल को लिपस्टिक लगा के ग्लॉस लगा के आ गई। वाह वाह वाह। अच्छा, पिंक कलर से ही आप आउटलाइन बना रहे हैं ना, तो अगर किसी ने ब्राउन शेड लगाना हो लिपस्टिक का तो ब्राउन से जिस लिपस्टिक से लिपस्टिक लगानी है उसी को ब्रश के साथ अप्लाई करके आउटलाइन बनानी है। बिल्कुल, कोई अलग से शेड नहीं लेना है इसके लिए। अंदर के लिए, इनर के लिए आप थोड़ा सा ये सब देखिए, अंदर के अंदर से लाइटर शेड है ठीक, यानी एक ही कलर के 2 डिफरेंट शेड्स उन्होंने लिए हुए हैं। आप लोगों को ओम्ब्रे लिपस्टिक का पता है क्या होती है, किसी को पता है ओम्ब्रे लिपस्टिक क्या होती है, मेकअप फील्ड से ताल्लुक है आप लोग का? यस, मर्ज करके इसी तरह की ही रिजेंबल टेक्निक है। किसको सूट करते हैं, किसको करने चाहिए काशी, किसको नहीं करने चाहिए ओम्ब्रे लिप्स? मैक्सिमम जो है ज़्यादातर
नहीं नहीं हर तरह के वुड पे अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से शेड की जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए इसको ओम्ब्रे लिप्स के लिए। दिख रहा है एक टोन का फर्क भी होना चाहिए, सही कह रहे, बहुत ज़्यादा भी डार्क आउटलाइन और अंदर इनर जो है वो लाइटर भी नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टू मच मतलब फेक लुक आ रहा होता है, ब्लेंड नहीं होता। यानी ये जो आप कर रहे हैं नेचुरल है ना, ये देखें नेचुरल है, ठीक है, मतलब ओम्ब्रे टेक्निक ओम्ब्रे ही है, ओम्ब्रे टेक्निक भी ऐसी होती है, लेकिन जो है अभी देखें इसको बिल्कुल नेचुरल लुक रखना है ना इसको, ठीक है, मिक्स कर रहा हूँ फिर ब्लेंड कर रहा हूँ। अच्छा, जिनके वॉन्ट मोटे हों या यहाँ पे जो ऐसी जो, उनके लिए क्या टेक्निक है, उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर वो बेस करें जैसे ना लिप्स के पास ही प्रॉपर बेस बना हुआ हो, ताकि जो इनकी जो है उसके बाद जो है जब इन्हेंस करें तो फिर इन साइड पर थोड़ा सा रखें उसको, और बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं करना, कि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आप अंदर कर लेते तो बेस ऊपर नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो ये लिपस्टिक की टेक्निक है जो आप लोगों ने देखी, ठीक है। अब आप लोगों के पास हैं 4 to 5 minutes जिसमें आई मेकअप एंड लिपस्टिक कंप्लीट होना चाहिए, और 4 to 5 minutes के बाद आपके हाथ जो है वो रोक दिया जाएगा। लेकिन जो लोग हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़ाहिर अभी तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लिप ग्लॉस, किन लोगों को ग्लॉस करना चाहिए, किन को ड्राई लिप्स को रखना चाहिए, कौन से मेकअप के साथ लिप्स जो है वो ग्लॉसी अच्छे लगते हैं? नॉर्मल लिप्स के साथ ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है, छोटे लिप्स के साथ, और बहुत ज़्यादा अगर मतलब टू मच अगर बड़े लिप्स हैं तो उसमें ग्लॉस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ऑब्वियस हो रहे होते हैं लिप्स, ठीक है। कोई अगर बहुत कॉन्शियस है अपने लिप्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़े लिप्स हैं और फिर ऑटोमेटिकली फिर जब ग्लॉस करते हैं तो और ज़्यादा एनहेंस हो रहे होते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने ब्लश ऑन तो किया हुआ है, लेकिन काशी चूंकि आप यहाँ खड़े हैं और व्यूअर्स जो हैं जो बहुत सारी खवातीन ब्लश ऑन टेक्निक के फेस बहुत चौड़े हैं या बहुत बड़े हैं, उनके लिए थोड़ा सा ब्लश ऑन का बताइए कि ब्लश ऑन का सही तरीका जो है वो क्या है, कैसे, हाउ टू अप्लाई कॉन्टोर का खास तौर पे कि फेस को कॉन्टोर, क्योंकि आपकी कॉन्टोरिंग इतनी स्मूथ होती है, लाइन नहीं पड़ी हुई कि कुछ नहीं उसमें नजर आ रहा होता, इतना ब्लेंडेड होता है, और हम लोग जितने मर्जी उससे कर लें वो कोई ना कोई लाइन जो है वो आ ही जाती है वहाँ पे, तो उसका क्या टेक्निक है कि लाइन भी ना आए और कॉन्टोर भी हो जाए फेस? इस तरह का ना एंगल ब्रश होना चाहिए अगर प्रॉपर, ये कॉन्टोर के लिए बेसिकली, ये देखें ये मैं इतना रखूँगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, इनकी चीक बोन है हाइट पर, ठीक है, इस जगह पर मुझे और उसके बाद नीचे से उसको ब्लेंड करना, ठीक है। अच्छा, पूरा करने के बाद यहाँ तक जितने भी एक्सेस है बाकी अपने जो लूज पाउडर के ब्रश से उसको ब्लेंड करते हैं, बिल्कुल एक स्मूथ और नेचुरल लुक आया, ठीक है। अरे इसी तरह से ये जो चीक्स हैं, चीक्स के लिए जॉ लाइन है, जॉ लाइन प्रोमिनेंट करने के लिए वो कौन सी कॉन्टोरिंग है कि जिससे जॉ लाइन तो प्रोमिनेंट हो, लाइंस ना आए, नजर ना आए हमें, फेस इनके गोल है, डबल चिन है, यहाँ से थोड़ा बल्जिंग है, तो वो कैसे उसको कवर करें? पहले फेस हमेशा ऊपर रखें, ठीक है, ठीक है, अब ये देखें मुझे नजर आ रहा पूरा ये, ठीक है, यहीं से मैं इसको काटूंगा, इसको पूरा दबाना है पूरा एरिया। अच्छा, ये जिनके फेस लॉन्ग हो, ये तो कह रहा जिनके चौड़े हैं और गोल हैं, तो उनको तो हमने इस तरह से कर लिया। काशी, जिनके फेस लॉन्ग होते हैं और डबल चिन खासतौर पे वो होती है प्रोमिनेंट, तो उनको कैसे उसको कवर करना होता है? सेम टेक्निक ये होती है कि उसमें हमें अंदर से ये पूरा मारना पड़ता है इसको, ठीक है, इसमें दबाना पड़ेगा उसको, हैवी होगी उसमें कॉन्टोरिंग जो है, डबल चिन दबाने के लिए होता है कि डार्क शेड करने के बाद यहाँ से हमें पूरा उसको, उसके बाद ये वही ब्रश है जिसमें थोड़ा सा पाउडर था, ठीक है, और फिर इसको मर्ज कर दिया उस पाउडर को कॉम्पैक्ट। तो ये है कुछ टेक्निक्स। अच्छा, उसके बाद जो है जैसा हैवी कॉन्टोर हुआ हुआ है, हमें पूरा चीक बोन प्रोमिनेंट करना है और पूरा हाईलाइट यहाँ से फिर इसको लाइटर करना होगा। किस चीज से लाइटर कर रहे हैं आप? सिंपल ब्रश भी आप कॉम्पैक्ट से कर सकते हो, किसी भी लाइटर शेड से, ठीक है, इस तरह का लाइट शेड लेके इस जगह पे ये किया, देखें, ठीक है, इसके बाद फिर इसको मिक्स करना है इसको,
ठीक है, और उसको ब्लेंड करते हैं। चीक और जॉ का कट एनहांस हो गया, तो उससे चीक एंड जॉ का कट एनहांस हो जाएगा। ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा इस तरह का मसला है वो अगर ये टेक्निक यूज करेगा तो बहुत डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा, जो काशी की मास्टर क्लास होती है ना, उसमें लोगों को लगता है सिर्फ ब्राइडल मेकअप सीखने के लिए लोग जाते हैं। हम लोगों ने क्योंकि अटेंड की हुई इसकी क्लासेस, बल्कि ऑलमोस्ट सारी मॉडल्स ने, तो वो हमारी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कौन सा मेकअप आर्टिस्ट हमें क्या लगा रहा है, क्या कर रहा है। यार जिन लड़कियों की शादी होने वाली है भाई, वो भी जा सकती हैं कि कल को उन्हें अपने मेकअप खुद करने हैं। हर दफा तो आप जाके सैलून पे इतने से मेकअप, यहाँ पर जैसे मैंने काफी देखा है ब्यूटिशियन को, डे वन में जिस दिन मैं आया था यहाँ पर, अपने आप को बहुत उलझाया हुआ है। मास्टर क्लास में इनको वो टेक्निक्स मिलेंगी के बगैर मतलब उलझाए, इतना ज्यादा मतलब प्रोडक्ट यूज करके बहुत लेस प्रोडक्ट के साथ किस तरह से काम किया जा सकता है। ठीक है, 10-10, 12-12 घंटे तक इनका मेकअप किस तरह से स्टे कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हेयर स्टाइल का आपका जो टास्क है वो ये इनका है या सैरिश के वाला है? ये बनाएंगे। अच्छा, आप हेयर स्टाइल का टास्क भी इस मॉडल का बनाएंगे हमारे, जिनका आपने आई मेकअप देखा है, जिनका आपने लिप वो देखा है। ठीक है, एंड दिस इज फाइनल ब्रेक जो आप सैरिश का जैसा बना हुआ है, आप ओपन लूज छोड़ेंगे बालों को। ब्रेक ले रही हूँ मैं क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, और ब्रेक के बाद हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट होगा, ज्वेलरी जो कि जेवर बाय रिजवान की है आपके सामने काउंटर्स पे मौजूद है, आप अपनी पसंद की ज्वेलरी सिलेक्ट कर सकते हैं, पहना सकते हैं, दुपट्टा भी देंगे इसी तरह से आप जिस तरह से कि मॉडल्स ने लिया हुआ है। एंड दिस इज जस्ट जिसे कहते हैं लास्ट फाइनल आपके लिए राउंड, जिसमें 4-5 मिनट है आपके पास, लेकिन एक ब्रेक पहले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजा को भी मुसलसल कहना पड़ रहा है, मुझे भी हेलो, मेरा माइक ऑन कीजिएगा आप लोग, और जो मॉडल्स मेरे ख्याल है नीचे हैं वो यहीं पर रुक जाएं, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए आप लोग। आपकी ब्यूटिशियंस कौन कौन है, अपनी अपनी ब्यूटिशियंस हैशटैग जो है वो अपना बताइए, आप छोड़ दें अपना हैशटैग बताइए, आप छोड़ दें आप उनको, #4 #2 फिजा आपने नोट करना है, #4 #2 पीछे वो आप जी, #9 जी पीछे आपका #8। सो मुझे ये बताइए ऑडियंस, आप मुझे बताइए, आपके सामने है ना, व्यूअर्स तो नहीं देख रहे, हम ब्रेक में कितना चीख रहे हैं, हम कितना मुसलसल कह रहे हैं कि खत्म करें, कंप्लीट करें, आए सुन ही नहीं रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, छोड़ दीजिए आप किसी को, पिन लगी है, नहीं लगी, छोड़ दे खुदा के लिए यार, दो लड़कियां यहाँ पे चीख रही हैं, छोड़ दीजिए खुदा के लिए, आपा छोड़ दीजिए प्लीज। बिल्कुल सही, ठीक है, लेकिन आप लोगों के नंबर्स हमने नोट कर लिए हैं, और ये जो आपका डिले है एंड देन नॉन कंप्लायंस है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप छोड़ नहीं कर रहे हैं उसको, सही करें, कंपटीशन कंपटीशन होता है आपा, लेकिन हिस्सा लिया तो सबके साथ हम लोग कैसा तैयार किया है आज हमारी ब्यूटिशियंस ने अपने टास्क के मुताबिक। आए
सो जनाब, ये फाइनल हमारा जो टास्क था वो आपने देखा, जन्नत का जो मेकअप किया है, काशी ने लाइव मेकअप किया, आपके सामने किया है, जिस टाइमिंग में किया है वो सब आप लोगों ने देखा, और जो हमारी ब्यूटिशियंस ने किया है वो भी। भाई ऊपर क्या झगड़ा चल रहा था फिजा? क्योंकि जो चीज़ें मुझे दिख रही थी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, मैं सबको देखे, उसका जब दुपट्टा निकल गया तो उसको जाके पीछे से दुपट्टा ठीक करने की क्या जरूरत है, उसके बाल ठीक करने की क्या जरूरत है, तो इसलिए मैंने रोक लिया। मैंने कहा नहीं, जितना जो कुछ हो गया किसी का दुपट्टा है नहीं है छोड़ दो। ये आपकी फेवरेट थी ना, अब बस अब क्या कर सकती हूँ, किसी की फॉल्ट तो नहीं बर्दाश्त करूँगी, उस पे तो बात करनी है। अच्छा मैं अगर वन बाय वन सबकी यहाँ पर गलतियाँ बताऊँ ना तो आप वाकई खुद हंसेंगी। देखें मैंने उनको उस वक्त ये बताया था कि सेंटर पार्टिंग नहीं है, ठीक है, दूसरा ये बैकुमिंग उठी हुई है, वो बैकुम बैठी हुई है, और ये लेफ्ट राइट साइड पर ज़्यादा मांग जा रही है। उनको काला रंग का ग्लू लगा के टीका चिपकाया गया है, और ये टीका ऐसे चिप चिप तो बिल्कुल मतलब जाहिर सी बात है निकल सकता है, किसी ब्राइड को ऐसे तो नहीं भेज सकते कि मोती के ऊपर उसकी सोने की ज्वेलरी के ऊपर आप उसको गम लगा के भेज दें। तो ये टीका यहाँ नहीं बनता, ये टीका यहाँ बनता है। अगर ये सूट कर रहा है तो फिर ओके है, क्योंकि ये मांग देखें इधर है, ये टीका यहाँ बनता है तो इसको यहीं चिपकना चाहिए। मगर ये काला जो आपने तिलक लगाया मुझे नहीं पता इस तिलक पे मैं क्या करूँ। ये किन का है, हैशटैग आपका है? तो आपको आपने सुन लिया, मैं कह रही हूँ आपको ये यहाँ बनता ही नहीं है, सेंटर में आप इसको उठा के यहाँ पे चिपका रही है, वो भी काला कलर का आपने एक ग्लू लगाया हुआ है। माइक आपके पास है जी। जब ये स्टेज पे गई है तो मैंने आपको खुद देखा, आप फिंगर से उसका साइड पे काटनी थी, मैं मानती हूँ मैंने ग्लू लगाई है, लेकिन फिंगर से आपने साइड पे क्यों किया? वो साइड पे काटी, मैंने आपको उसी वक्त इशारा किया कि आप साइड पे काट रही हैं। मेरी बात सुने, मैं शो की जज हूँ, ठीक है, मैंने जज करना है, जो चीज मुझे ठीक नहीं लगती तो ये प्रोग्राम पहले से सिलेक्टेड होता है, फिर दूसरे ब्यूटिशियंस को बुलाने की क्यों जरूरत है? अल्लाह का डर खौफ तो रखो, खुदा के वास्ते कोई ऐसी बात तो करो जो सही बात हो। अच्छा एक मिनट, एक बात का जवाब दे सफरा। अच्छा आपको लगता है कि कोई सिलेक्टेड है तो कौन सा सिलेक्टेड? आप बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए आप ऐसी बात कर रही हैं, ये बात गलत है, सिलेक्टेड कोई भी नहीं। माइक में बात कीजिए प्लीज, ताकि आपकी बात सारे लोग सुन सके। हेयर काफी लोगों के खराब हुए हैं, लेकिन मैं आपको इशारा भी करके देखिए फिजा ना उसका, मैंने आपको और मैंने आपसे कहा था आप बोले बोले आप देखिए फिजा एक नहीं था जज, शी हैज द राइट, फिजा को कुछ भी नहीं कह रही। आप मुझे एक बात बताइए, जो वो गलतियां पॉइंट आउट कर रही है हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, फिजा ने जो पॉइंट आउट किया है क्या फिजा ने गलत पॉइंट आउट किया? राइट साइड पे टीका लगा के इसको सेंटर में चिपकाया जा सकता है, या मांग राइट साइड पे निकाल के सेंटर पे टीका चिपकाया जा सकता है? आप पिटीशन आप बताइए जो वो कह रही हैं, काला ग्लू लगाया जा सकता है? जरूर है, ठीक है, सेंटर में अभी वो गिली थी, जल्दी चले गए, टाइम खत्म हो गया, तो फिजा ने उसको फिंगर से साइड पे करी थी, मैंने काशी को इशारा किया, इशारा कर रही थी मुझे, मैंने इशारा किया और काशी ने देखा, आप बोले आप बोले आप जो बोल रहे हैं देखा, खुद देखा, आप पूछो, मैं बदतमीजी नहीं करना चाहती, ठीक है ओके नहीं ओके नहीं बात करें बस नहीं बात करें बात करें आप बात करें जो भी वो डिसाइड होगा ठीक है डिसाइड नहीं देखिए कल आप डेंजर जोन में थी आप ये सारा पिटना हंगामा इसीलिए कर रही हैं कि आज मुझे ना निकाला जाए नहीं ये बात डाल दूं कि फिजा ने हम निकाल के चेक क्यों किया मुझे सीखने को मिल गया इतने नाइस टीचर हैं सर काशी नहीं नहीं वैसे ये खुद भी बोल रही थी फिजा ये खुद बोल रही थी कि मैं शो से चली जाती हूं तो मैंने कहा था कि आप बोलें इसीलिए डेंजर जोन में थी लेकिन नहीं बात नहीं खुद ही लोगों के ऊपर इल्जाम भी लगाया आपने लोगों को बोला कि भाई अच्छा ठीक है यहाँ पर सिलेक्टेड लोग थे हमें को पैसे पकड़े हुए लोगों को पैसे मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए आप ब्यूटिशियन है ना आपको तो खुश होना चाहिए अगर आपने गलती की है और उन्होंने गलती सही अगर गलती वो गलत पॉइंट आउट कर रही है तो मैं मानूं कि वो गलत कह रही है सही है सीधे हाथ से टीका आ रहा है सेंटर पार्टिंग हमारा टास्क था आपने वो टास्क नहीं पूरा किया आपसे सेंटर पार्टिंग नहीं निकाली गई है मैंने बताया अभी तक चलते शो में कि मांग ठीक कर ले आपने मांगटेड ही निकाली जिसपे वो कहेंगी आपको तो बात में तीन लोग बात कर चुके हैं कि मांग सीधी कर लें ओके सो मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत गर्मा गर्मी हो गई है और होने वाली भी है लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं फाइनल हमारी जजमेंट का सिलसिला जारी है हमने आज एलिमिनेशन पे जाना है क्योंकि कल हमारा ग्रैंड फाइनल होगा हमारी जो ब्यूटिशियन है वो एक ग्रैंड प्राइज जीतेगी उसके साथ साथ सर्टिफिकेट है जो साइन बाय काशी होगा काशी ने यहाँ पे लाइव आज सिखाया है सब कुछ भाई आप समझते हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट बात है और फिर भी अगर ना कोई फॉलो कर सके आंखों देख के भी अच्छा उसमें एक बात ये है कि जैसे बहुत ज्यादा लोग ये समझ रहे होते हैं कि अपनी मॉडल तैयार करके लाके बैठा दिए आज बिल्कुल सामने की क्योंकि 10 बातें होती हैं लोग जो देख रहे होते हैं इवन की स्क्रीन वगैरह पे वैसे तो बहुत मैंने मेकअप लाइव शोज वगैरह में किए हैं लेकिन जब कॉम्पिटिशन की बात होती है जब इनको जिस हिसाब से टाइमिंग्स देते हैं 20 मिनट दे देते हैं फिर स्टाइलिंग के ओवरऑल इनको 1.5-2 घंटे मिल रहे होते हैं ठीक है अब अगर वो सिर्फ मेकअप था तो वो मेकअप हार्डली
मैक्सिमम वो 10 मिनट्स का मेकअप था जो इन्होंने 2 घंटे में किया। बहुत इजीली मैंने इनको समझाया, एक एक अपनी टिप्स और ट्रिक्स जो भी थी वो भी मैंने इनको दी। अच्छा टाइम फॉर ब्रेक जी, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो बाकी और कौन कौन एलिमिनेट होगा और कौन कौन नहीं होगा, रिजा और काशी इसका फैसला करेंगे। खुश आमदी जनाब, अब हमने फैसला करना है। मैं जिन जिन नंबर्स को पुकारूंगी वो सामने आ जाएंगे, जिसमें #1, #12, #3, #11। अच्छा जी, यहाँ पे एक और था। आप मॉडल के साथ आएंगी ना, आपको क्या लग रहा है कि मतलब मॉडल के साथ नहीं, आप अपने ब्यूटिशियन के साथ नहीं खड़ी होंगी? सही। सो ये हमारे कुछ हैशटैग्स हैं जिनमें के हमें प्रॉब्लम फील हुआ है जजेस की राय के मुताबिक। क्या किसी और को भी आप शामिल करना चाह रहे हैं इसमें? फिजा, यस फिजा, किसी को देखते अच्छा। #8, देखिए कल चंदा ऑलरेडी डेंजर जोन में थी, मैं दोबारा बता रही हूँ, जब शो ख़त्म हो रहा था ये हमने पहले अनाउंस कर लिया था, क्योंकि अभी ये बात कर चुकी हूँ ब्रेक से पहले कि सब कुछ सिलेक्टेड है शो पे, तो सिलेक्टेड वाली बात जो है आप अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ये बात हम रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड कल करा चुके हैं कि आप डेंजर जोन में थी, तो अगर आज आप जाएंगी तो अपने हेयर स्टाइल की वजह से भी जाएंगी, आपकी बेस में क्रैक्स हैं, उनके लाफ लाइन्स आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी आई मर्चिंग बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, स्मर्ज ही नहीं हुआ हुआ उनका शेड बिल्कुल, और आईब्रो ऐसे जैसे गिर गई है। आईब्रो को नीचे थोड़ी कराते हैं, आईब्रो को तो उठाते हैं ताकि आँख उठ जाए। आपके काफ़ी फॉल्ट हैं, जो एक फॉल्ट नहीं, हम इसको सबको नोटिस करें। कल के अगर हम मेकअप को देखें और आज के मेकअप को देखें तो आज ज़्यादा वर्स्ट है कल के नस्बत आपका मेकअप। आइज़ बंद कीजिएगा आप लोग, ताकि आपके मेकअप के ऊपर जो है वो एक नज़र डाली जा सके और उसको जो है वो देखा जा सके। अच्छा #12 जो है, आज जब से इनका काम शुरू हुआ ये डेंजर जोन चल रही थी हमारी तरफ से, हम काशी सोच रहे थे कि ये थोड़ा सा आज टास्क को नहीं ले पा रही है वैसे, मगर जो इनकी बेस एप्लीकेशन थी वो सारों से बहुत हमें बेहतर लग रही थी, और इनकी बेस मुश्किल भी कर दी थी हमने, मगर फिर भी इन्होंने बेस को वैसे बिठाया बनाया, जबकि इनकी स्किन बहुत मुश्किल थी हैंडल करना, तो इस वजह से वो जो मार्क्स हैं हमारे गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, हम बड़े परेशान हैं। बिल्कुल सही। अच्छा यार, आपकी तो इतनी प्यारी मॉडल ये वाली, इतना अच्छा आप जा भी रही थी, फिर बालों पे आके क्या हुआ? यानी बाल एकदम से इतने फ्लैट, बिल्कुल बालों के टास्क पे आके आप बिल्कुल ही नहीं उसको कर पाई हैं। #8 लाइक दीजिए। हाँ मैंने पहले पीछे से स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से फ्रेंड नहीं थी। हाँ मैं पीछे से स्टार्ट किया, फ्रेंड से एक साइड से हुआ है, दूसरी साइड से नहीं हुआ। हाँ एक मिनट जी, एक साइड से बन के बाद दूसरी साइड से नहीं, पीछे से बना रही थी इस वजह से। मगर आपको पता है कि एक सिर्फ बालों का टास्क सही मुकम्मल ना होने की वजह से आप इस डेंजर उसमें आ गई, हालांकि मेकअप आपका जो है बेहतर है, मेकअप आपका जो है बेस बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, लिप शेड बहुत अच्छा लगाया हुआ है, बिल्कुल नियरेस्ट उसी की है जो मॉडल का है, कॉन्टोर बहुत अच्छा है, ब्रश ऑन बहुत अच्छा है इनका, इवन के आई मेकअप भी काफ़ी अच्छा है इनका, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइलिंग है और ज़रा सा इनका लैशेज की वजह से, अदरवाइज बहुत परफेक्शन है इनके हाथ में ना। लैश वैसे आपने जो उंगली से लगा के उसका काम तमाम कर दिया। आपको क्या हुआ भाई? #1 बहुत ज्यादा मेल्ट हो रही थी। अच्छा हेयर स्टाइल की वजह से आप फेवरेट जा रही थी, दुपट्टा क्यों गिरा सर से और क्यों आप ऊपर स्टेज पे जाके सेट कर रही थी? पिंस का इशू हो गया था इस वजह से वो गिर गया। आपको पता आपके मेकअप की ब्लेंडिंग जो है वो सब मेकअप्स में सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, नो डाउट, वाकई मेकअप में आप सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा है इनका। सिर्फ आपके बाल और आपका दुपट्टा ना सेट होने की वजह से अब आप यहाँ खड़ी हैं। कोशिश मैंने पूरी की थी, यहाँ से सेट वेट करके भेजा था लेकिन वो वहाँ जाके गिर गया। बिल्कुल सही। और आपने क्या किया है आज? देखो आंखें बंद करो, मतलब उसका ब्लैक शेड कहाँ तक जा रहा है आप खुद देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना, आप देख रही है ना, क्या टास्क यही था? ये बताएंगे, ये बताएंगे क्या टास्क यही था जो आपने करना था। आई एम सॉरी। अच्छा और आप पहले कुछ कह लें, अरे मुझे ऑडियंस का थोड़ा सा जो है ना कहना, मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप बोलें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अरे किस किस को लग रहा है कि वो जा रहा है भाई, किस कौन कौन मेंटली प्रिपेयर है कि आई एम आउट? हाँ आज आई थी बात है, सिलेक्टेड गेम चल रहा है ना, सिलेक्टेड आपको तो पहले पता है। बाल वो देखिए अक्सर का भी ये ठीक है, देखिए उसका एक
बाल तो किसी के भी ठीक नहीं, बाल उसके भी नहीं ठीक, बाल किसी ने किसी के भी ठीक नहीं है। हमने कल अच्छे नहीं बनाए थे बाल आपके सामने, आपको लगा हमने किसी की तारीफ की, हमने बोला होगा यार क्या बाल बनाया, मेकअप में हमने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बालों में हमने नहीं। आपकी क्लैप जो है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा उसमें हेल्प आउट करेगी, योर क्लैप मैटर्स अ लॉट नाउ, ठीक है। सो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं सारी मॉडल्स, मॉडल नंबर 1 #3, ठीक है। फैसला करना आपने जी, और ये #11 जी, #12 एंड #1। सो इसका मतलब है #1 को हम सेव करें, बिकॉज #1 इज सेव्ड, हमारी ऑडियंस जो है वो आपके साथ है। आपको मुबारक हो, आप लेकिन बहुत आपने बड़ा ब्लंडर किया है, यानी बाल बिल्कुल नहीं बने हुए उस तरह से, दुपट्टा सर से गिर गया है सिर्फ आपकी मेकअप की वजह से एंड ऑडियंस की सपोर्ट की वजह से। सो रेस्ट 3 हमारे जो है सैडली #3 #11 #9 भी रहता है पीछे, एंड #3 तीसरा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 9 भी रहता है पीछे वो #3 #11 एंड तीसरी किन की है, ये #2 भी है पीछे आगे, ये आपकी आपकी कब क्या नंबर है आपकी ब्यूटिशियन का, #12 क्यों नहीं बोल रही आप, #12 इंतजार कर रही हो, #12 अनफॉर्चुनेटली आप लोग फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर रहे। कोई बात नहीं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं यहाँ पे आई हूँ सीखने का मौका। लेकिन आप ये देखें ये इस दिन भी हैं, आप पहले दिन भी सिलेक्ट हुई हैं, सेकंड डे भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बड़े डिसहार्ट हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, ये चीज आप लोगों की बिगनिंग है। इंशाल्लाह अब इस चीज से यहाँ से बहुत सीखने को मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल यही विल पावर होना चाहिए, इसका यहाँ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप दो दिन आपने बीट किया है, आप थर्ड डे आप यहाँ पर आई है माशाल्लाह। और आप लोग ये मत सोचिएगा, स्पेशली चड्डा आप भी, आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग का करियर आगे खत्म हो गया है अगर आप लोग यहाँ पे हार गए, और आगे किसी मैदान में आप जीत नहीं सकेंगे, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा मेकअप करने के लिए। हो सकता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से इतना कुछ सीख के जाए, क्लाइंट बोले कि हमने इसी से मेकअप करवाना है। चंदा बहुत गुस्से में है, चंदा को मेरी तरफ से मास्टर क्लास कॉम्प्लीमेंट्री मिले। मुझे बताओ आपके हाल में बाकी जो ब्यूटीशियंस उनमें से कौन नंबर 1 होगी कल, साइमा और अक्सा और मैं, नंबर 1 नंबर महक नंबर 1 नंबर 4 और किस में नंबर 9 इन तीनों में से कोई, ये ब्यूटीशियंस हैं, ये फेवरेट है इनकी, इनमें से कोई एक जो है नंबर 1 होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ये सर्टिफिकेट्स जो है, ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आप सबके साथ जाएंगे, ठीक है। हैशटैग नंबर 3 चंदा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हैशटैग 12 आइए, बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप साथ रही बड़े हौसले के साथ, आपने पार्टिसिपेट किया। एंड हैशटैग नंबर 11 आइए, थैंक यू वेरी मच। सो ये सर्टिफिकेट जो है ये आपके साथ, ठीक है। अरे कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। मैम हम पूछ सकते हैं आखिर हमें क्यों निकाला? यार ये 2 घंटे का शो करने के बाद भी पूछने की जरूरत है? रात को रिपीट में शो देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। इसका जवाब दे दे, शो को इज्जत दो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपसे इजाजत लेंगे और जाते जाते हमारे आज के दोनों टास्क जो हमने आपके सामने एग्जिबिट किए थे, सैरिश जन्नत और फिर ब्यूटीफुल फिजा जिन्होंने के कैरी किया हुआ था, इनके ऊपर एक नजर डालते हुए ताकि रिपीट में जब आप लोग सब जाके शो देखें आपको समझ आ जाए कि क्या फैसला हुआ और क्यों हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, और कल फाइनल है, कल होंगी वो ब्यूटिशियन जिसका फैसला करेंगे हमारे काशी और फिजा कि कौन ब्यूटिशियन नंबर 1 है और किसको ग्रैंड प्राइज मिलने वाला है। अल्लाह हाफिज। Make a drop, girl, then bring it right back. She the model type. Waist bottle nice. Got a touchscreen phone with the auto type. You got that Zeus on Serato, right? 'Cause if so, she gon' dance all night. Do number me deva teri uchi lami. Then what? Do number me deva teri slim fit jeans. That's it.